आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ITI टेक्नो इस लाइव पे। मैं जानता हूँ अभी आई हुई है DRDO टायर 2 की प्रैक्टिकल है, तो जो भी मेरे भाई मशीनिस्ट भाई जो भी टायर 2 के एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि आप अप मिलिंग और डाउन मिलिंग को ध्यान से देख कर जाइए, क्योंकि अगर अप मिलिंग और डाउन मिलिंग दो ऐसी प्रोसेस हैं, ठीक है, अगर ये सही से आप जानकर नहीं करते हैं तो मशीन के करते वक्त आपका क्या हो सकता है, जो आपका कटर होता है वो आपका टूटने का चांस रहता है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको बताऊंगा कि अप मिलिंग और डाउन मिलिंग में क्या डिफरेंस है। तो पहला पॉइंट आप देख रहे हैं कि अप मिलिंग कॉल्ड इज कन्वेंशनल मिलिंग। अप मिलिंग को हम लोग एक कन्वेंशनल मिलिंग बोलते हैं और डाउन मिलिंग को हम लोग क्लाइन मिलिंग बोलते हैं। अप मिलिंग को कन्वेंशनल मिलिंग बोलते हैं, डाउन मिलिंग को क्लाइन मिलिंग बोलते हैं। तो पहला डिफरेंस अप मिलिंग और डाउन मिलिंग का ये है। सेकंड पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, टूल रोटेट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द वर्क ट्रेवल। अप मिलिंग में क्या होता है, टूल जो है, यहां देखिए ये टूल है, टूल का रोटेशन और वर्क का फीड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये आपका अप मिलिंग है। डाउन मिलिंग क्या बोलता है, टूल रोटेट सेम डायरेक्शन ऑफ वर्क ट्रेवल, टूल का रोटेशन और वर्क का ट्रेवल दोनों सेम होता है। थर्ड नंबर क्या बोलता है, कटिंग फोर्स इज जीरो टू मैक्सिमम। बोल रहा है कि अप मिलिंग में जो कटिंग फोर्स होता है वो जीरो से स्टार्ट करते वक्त करके मैक्सिमम पे जाके खत्म होता है, और डाउन मिलिंग में कटिंग फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम टू जीरो। डाउन मिलिंग में देखिए ये रहा आपका डाउन मिलिंग, ये रहा आपका डाउन मिलिंग, कटिंग फोर्स देखिए मैक्सिमम से स्टार्ट करता है मिनिमम जाके खत्म होता है। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, कटिंग फोर्स इज अपवर्ड डायरेक्शन एंड टेंड्स टू लीव द वर्क। बोला जो कटिंग फोर्स होता है वो देखिए ऊपर की तरफ होता है, ये अगर ठीक से आपने जॉब को क्लैंप नहीं किया है तो जॉब को क्लैंप को लिफ्ट कर सकता है, और डाउन मिलिंग में जो आपका कटिंग फोर्स होता है वो डाउनवर्ड होता है। मींस ये जो जब आप डाउन मिलिंग करेंगे तो आपका जो कटर है वो जॉब को आपके जो वर्क होल्डिंग डिवाइस है उसके तरफ फोर्स करता है। फिफ्थ नंबर क्या बोला है, चिप थिकनेस मिनिमम एट द बिगिनिंग एंड मैक्सिमम एट द एंड। अप मिलिंग में देख लीजिए आप, चिप थिकनेस जो है देखिए मिनिमम एट द बिगनिंग है और मैक्सिमम एट द एंड है, ठीक इसका उल्टा डाउन मिलिंग में चिप थिकनेस मैक्सिमम एट द बिगनिंग एंड मिनिमम एट द एंड। देख सकते हैं मैक्सिमम एट द बिगनिंग है चिप थिकनेस एंड मिनिमम एट द एंड में है। क्या बोला सिक्स नंबर, अप मिलिंग कैन बी यूज ऑन ओल्ड मशीन। आप DRDO का प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं तो बोलना चाहूंगा कि आप हमेशा अप मिलिंग को यूज करिए, ठीक है, क्योंकि अप मशीन आप पुराने मशीन में कर सकते हैं। डाउन मिलिंग कैन नॉट बी यूज ऑन ओल्ड मशीन ड्यू टू बैकलास। मशीन जितना पुराना होता जाता है उसमें बैकलास उतना बढ़ता जाता है। बैकलास क्या है, बैकलास ऐसी चीज है जो कंटिन्यू यूज करने के बाद क्या होता है, आपका जो फीड रॉड है उसके जो गियर होता है वो क्या होता है, डैमेज होते रहते हैं, क्षय होते रहते हैं, उनका क्षय होते रहते हैं, तो उनके बीच का जो ग्रिप करके रखते हैं किसी को वो क्या होता है, लूज होने लगता है। कभी आप क्रॉस फिट को जब मूव करते हैं तो आप देखते हैं कि जितना आपने पाइप में मूव किया उससे कम मूव हो रहा है, तो यही चीज है बैकलास कि आप जितना मूव करते हैं आपका क्रॉस फिट या हॉरिजॉन्टल फिट उतना मूव नहीं होता है। लास्ट नंबर क्या बोल रहा है, कटर ब्रेकिंग चांसेस इज मिनिमम। इन अप मिलिंग में आपका कटर का टूटने का चांसेस बहुत ही कम होता है, पर डाउन मिलिंग में आपका कटर टूटने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है ड्यू टू बैकलास। मैं यहाँ डायग्राम आपको दिखाई रहा था, डायग्राम देख लीजिए, ये डाउन मिलिंग का है, कटर इस तरफ रोटेट कर रहा है, जब का ट्रेवल सेम डायरेक्शन में है, तो ये डाउन मिलिंग है, इसका फोर्स जो है नीचे की तरफ पड़ता है, इसको देखिए चिप थिकनेस मैक्सिमम टू मिनिमम है, इसको हम लोग क्लाइम मिलिंग बोलते हैं। अप मिलिंग में आप देख लीजिए कटर का रोटेशन इस तरह है, जॉब का मैं ट्रैवल किस तरफ है, इस डायरेक्शन में है जॉब का ट्रैवल, ठीक है। चिप थिकनेस देख लीजिए मिनिमम से मैक्सिमम है, ठीक है, जो कटिंग फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। एंड मिल में ये तो मैंने आपको हॉरिजॉन्टल मिल में, एंड मिल में क्या है,
कि आपका एंडमिल अगर इस तरफ ट्रैवल करता है तो आपका जॉब अगर इस तरफ ट्रैवल करता है तो ये हो गया डाउन मिलिंग। डाउन मिलिंग कभी भी मत करिएगा, ठीक है। और अप मिलिंग, ये आपका एंडमिल ट्रैवल इस तरफ है और जॉब इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो मैं बोलना चाहूंगा अगर आपको कोई 45 डिग्री कोई भी एक जॉब हो, जॉब में आपको 45 डिग्री काटना हो, ये रहा आपका 45 डिग्री, ठीक है। आपको बोला गया है 45 डिग्री काटना है, बोला आप हेड मूव नहीं कर सकते, हेड मूव नहीं कर सकते, तो क्या करिएगा? अब जॉब को लीजिए, आपको जानते हैं बी ब्लॉक का ये एंगल 90 डिग्री होता है, अगर जॉब को आप ऐसे होल्ड करते हैं तो आपको ये 45 डिग्री मिल जाएगा। आप कटर से एक बार चेक भी कर सकते हैं, जो लाइन आपने मार्किंग की है पैरेलल, कटर के से देख लीजिए वो लाइन पैरेलल है कि नहीं, अगर नहीं है तो जॉब को अपना हल्का इस तरफ या इस तरफ मूव करके आप उसको पैरेलल कर लीजिए। अगर आप एंड मिल इस तरह चलाते हैं तो आपका चांसेस क्या है, आपका जॉब हिल कर ऊपर की तरफ जा सकता है या नीचे की तरफ लिफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा अगर आपको 45 डिग्री आपको ऐसा करना होगा, बोलो आपको हेड स्टॉक मूव नहीं करना हो तो आप इस तरह से काटिए, ये रहा आपका जॉब, ये रहा वी ब्लॉक। कभी भी जॉब को हॉरिजॉन्टली फीड मत दीजिए, अगर आपको ये करनी है तो उसको क्रॉस फीड दीजिए। क्रॉस फीड देते हैं तो प्रेशर इस साइड की तरफ पड़ेगा, इस तरफ पड़ेगा, इस डायरेक्शन में पड़ेगा, जिससे आपका प्रेशर जो होगा या तो फिक्स वाइस की तरफ पड़ेगा। और हमेशा करिए, ट्राई करिए कि आपका प्रेशर जो है फिक्स वाइस की तरफ पड़े, मीन्स फिक्स जॉ की तरफ पड़े, ठीक है। ये तो आपका 45 डिग्री हुआ तो कर लेंगे, अगर 45 से हो आपका जैसे हो गया 60 डिग्री, 48 डिग्री, तो क्या करें, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आप 45 डिग्री में जिस तरफ आपको एंगल करना है उस तरफ चिप लगाते रहिए, चिप्स चिप्स लगाते रहिए, और उसके बाद अपने कटर से उसको पैरेललिज्म देख लीजिए। अगर देख रहे पैरेलल हो गया, आप इससे भी पैरेललिज्म देख सकते हैं। आप एक सरफेस ब्लॉक लेकर, एक सरफेस ब्लॉक लेकर उससे भी इसको टच करके इसका पैरेललिज्म देख सकते हैं। तो इस तरह मैं बता दिया आपका अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग खत्म होता है। मैं बोलना चाहूंगा कभी भी आप अप मिलिंग प्रोसेस ही करिए, आप DRDO प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं तो अप मिलिंग ही प्रोसेस करिए, डाउन मिलिंग प्रोसेस यूज ना करें। आपको कटर ब्रेकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर आपका कटर टूट गया मीन्स आपका प्रैक्टिकल खत्म, ठीक है। दोस्तों मेरे चैनल को ITI टेक्नो इज लाइव चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि मैं ऐसे ही और वीडियो आपके साथ लाता रहूं। थैंक यू दोस्तों।